बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम डोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि भारत के अंदर एक समस्या है, वो है जाति। जाति है कि किसी भी हालत में नहीं जाती। आपको बता दें कि आप भारत के अंदर चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे आप सांसद बन जाए, चाहे आप विधायक बन जाए, चाहे सरपंच बन जाए, या चाहे आप कलेक्टर बन जाए, चाहे कोई और कुछ बन जाए, लेकिन आप रहेंगे अगर दलित समाज से तो आप दलित ही रहेंगे। आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आप पिछड़ा ही रहेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा भेदभाव तो दलितों के साथ ही किया जाता है। पिछड़े समाज के लोग भी दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये सच कहा करते थे कि बहुजन समाज के अंदर भी दलित जो है वो काफी ज्यादा दोहरी गुलामी का एहसास उन्हें मिलता है। एक अंग्रेजों की गुलामी का, दूसरा यहाँ के भारत के लोगों की। ऐसा ही किस्सा आपको बताया कि पिछले दिनों राष्ट्रपति के साथ भी हुआ था, जब वो एक मंदिर के अंदर पहुंचे थे और उनके साथ बदसलूकी हुई थी। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों राष्ट्रपति के साथ भी नजर आया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर इस प्रकार की घटना होने का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, साथ ही कई अखबारों के अंदर इसे प्रमुखता से भी छापा गया। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है। ये मामला इस बार सामने आया है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि गणेश जी की पूजा की जाती है, उस दिन आंध्र प्रदेश के गटूर जिले के अनंतवंतराव गांव के अंदर वाईआरएस कांग्रेस की विधायक कुंदावली श्री देवी को दलित समाज के होने के कारण अपमान झेलना पड़ा। उनको आपको बता दें कि टीडीपी का कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके साथ उनको उनकी कार्यक्रम में दाखिल नहीं होने दिया गया। साथ ही उनको आपको बता दें कि वहां से धक्के मारकर निकाल दिया।